इंडियन पुलिस फोर्स वेब सीरीज का ट्रेलर आ गया है। इंस्टाग्राम पर देखा मैंने, 2 मिनट 52 सेकंड के आसपास का ये ट्रेलर है। तो चलो करते हैं बात डिटेल में। तो भाई बेसिक प्लॉट ये रहेगा कि एक शैतान, एक टेररिस्ट, एक मॉन्स्टर पुलिस के साथ बॉम्ब खेलना चाहता है, चोर पुलिस खेलना चाहता है। अब वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसका मकसद क्या है, मोटिव क्या है, ये तो ट्रेलर से पता नहीं चला। जितना ट्रेलर में दिखाया है उसे तो लग रहा है कि भाई को बस एक शौक है अपनी प्रेजेंस को दिखाने का कि मैं भी कुछ हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसका भी कोई खास मोटिव होगा, उसकी भी कोई हिस्ट्री होगी। एनीवे ये भाई दिल्ली के एक मार्केट को उड़ा देता है। अब ये सब उसने कैसे किया, उसकी भनक तक पुलिस को नहीं लगी। पूरा देश दिल्ली पुलिस की इस नाकामी पर बातें कर रहा है। तो दिल्ली पुलिस आ गए हैं फुल ऑन एक्शन मोड में कि दिल्ली पुलिस है, हम उठा के ले आएंगे उसको। लेकिन विलन कोई बच्चा तो है नहीं जो इतनी आसानी से गोद में आ जाएगा। इनफैक्ट वो पुलिस से एक कदम आगे चल रहा है और दिल्ली से उसने सिर्फ शुरुआत की है अपने आतंक की। आगे उसका प्लान और भी बड़ा और भयानक है। तो वो देश में कहीं और दूसरा कोई कांड करे उससे पहले उसको पकड़ना जरूरी है। तो सीरीज के अंदर हमें मोटा मोटी देखना यह है कि कैसे इंडियन पुलिस फोर्स उस मॉन्स्टर को ढूंढती है और पकड़ती है और पेलती है। सिद्धार्थ मल्होत्रा है एसपी और विवेक ओबेरॉय की टीम में काम करते हैं। विवेक भाई आईजी है। अब इस मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए एक टीम नहीं बल्कि पूरी पुलिस फोर्स लगी हुई है, जिसमें शिल्पा शेट्टी, निकेतन धीर, शरद केलकर, मुकेश ऋषि और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं अलग अलग पोस्ट पर। अब ये विलन कौन है इस बात को सीक्रेट रखा गया है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ये सिद्धार्थ मल्होत्रा का हम शक्ल तो नहीं है। नहीं, मतलब जस्ट ऐसा लगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये सब तो बहुत पुराना हो गया। नहीं, चलो देखते हैं कौन निकलता है ये एक्टर। तो ट्रेलर तो तगड़ा है भाई, इस साल का अभी तक का तो बेस्ट ट्रेलर है ये। रोहित शेट्टी ने इस सीरीज से डेब्यू किया है ओटीटी पर, लेकिन भाई ने कंटेंट के मामले में स्केल को थिएटर से 1% भी कम नहीं रखा है। ग्रैंड विजुअल से गाड़ियां उड़ रही है, ब्लास्ट हो रहे हैं जैसे उनकी हर फिल्म के अंदर होते हैं, एक्शंस भी धमाकेदार है। सिद्धार्थ मल्होत्रा भी जच रहे हैं इस किरदार में, भाई का काम अच्छा है। लेकिन विवेक ओबेरॉय, उनके एटीट्यूड को देख के मुझे उनकी दम मूवी की याद आ गई। परफॉर्मेंसेस के मामले में ये भाई झंडे गाड़ देगा, बता रहा हूँ। ट्रेलर के अंदर डायलॉग्स भी अच्छे हैं, दमदार भी है और इमोशनल भी है, क्योंकि बात अब शायद पुलिस वालों की फैमिली से जुड़ चुकी है, पर्सनल हो चुकी है। अब विलन जितना शातिर होगा और एक्टर का परफॉर्मेंस जितना तगड़ा होगा उतना मजा आएगा, क्योंकि ऐसी कहानियों के अंदर विलन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और ट्रेलर से लगता है कि सीरीज का फोकस हीरोइज्म पर नहीं है, कहानी के ऊपर है। मतलब ऐसा नहीं है कि हीरो है तो कुछ भी कर सकता है। कुल मिला के भाई बढ़िया ट्रेलर है। तेज बुखार है मुझे अभी, लेकिन इसको देख के मजा आ गया। ज्यादा बात करते हैं 19 जनवरी को सीरीज देखने के बाद। Amazon प्राइम पर रिलीज होने वाली है इंडियन पुलिस फोर्स। अब आप बताओ कि आपको कैसी वाइब्स आ रही है ट्रेलर को देख के। मिलते हैं शाम को 7 बजे जस्ट टेक सिनेमा चैनल के एक और नए एपिसोड के साथ। बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।